नाजरीन, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। मींस के मैं देखती हूँ कि लड़के जो होते हैं मोस्टली वो आंखें खोल कर भी ये शेव करने से बहुत ज्यादा डरते हैं और उन्हें लगता है कि हमें कट लग जाएगा या ब्लड वगैरह निकल आएगा। लेकिन ये इंसान कौन है भाई? आप देख रहे हैं कि ये जो है बगैर देखे उनके मुंह पे जो है परफेक्ट जो है वो फॉर्मिंग कर रहे हैं, और फॉर्मिंग के बाद इन्होंने रेजरिंग भी करनी है। तो क्या कमाल और क्या खतरनाक काम है भाई। अगर मूछे कटी गई फिर सही बात भी, वैसे वाइफ तो कहती है कि मुझे अब ना कटवाएं, लेकिन भाई के लिए अगर यकीन है, उम्मीद है कि ऐसा कोई सीन नहीं होगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। आपको 12 मुल्कों की पुलिस जो है वो ढूंढ रही है। हम खुद भी इन्हें ढूंढ रहे थे, इनका कारनामा देखे जी, पट्टी बांध के जो है ये कटिंग करते हैं, शेव करते हैं। कौन लोग इनसे जो है वो कटिंग करा लेते हैं इस तरह? मतलब कुछ भी हो सकता है, बाल ऊपर नीचे हो सकते हैं, गला काट सकता है शेव करते हुए। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ जितने कस्टमर आते हैं उनकी डिमांड होती है कि वो इन्हें कहते हैं कि नहीं जी आप पट्टी बांध के हमारी कटिंग करें, क्योंकि आंखों से आप इतनी अच्छी कटिंग नहीं कर सकते जितनी आप बगैर देखे जो अच्छी कटिंग काट लेते हैं। तो बड़ी मुनफरिद सी अजीब और गरीब सी ये बात है, बाकी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजर आ रहा है? नहीं, नजर कहाँ से आना। तो ये बगैर देखे बाल काटी जा रहे हैं जी? ये गंजे हो गए फिर? नहीं होंगे इंशाल्लाह। भाई आप जो इतने मजे से बाल कटवा रहे हो, बालों का ख्याल नहीं है? बिल्कुल ख्याल है। जिंदगी से प्यार नहीं है? बिल्कुल प्यार है। तो फिर क्यों कटवा रहे हैं इनसे इस तरह बाल? भाई पे यकीन है ना, इसलिए कर सकते हैं तो इसलिए फिर। मैंने देखा कि पहले भाई जो है वो आंखें खोल के आपकी कटिंग करने लगे, आपने उन्हें कहा नहीं जी आप पट्टी बांध के करो, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि ये पट्टी के बांधे तो वो इससे ज्यादा अच्छे कट सकता है, तो इसलिए यकीन करके करवा रहे हैं। इनसे कहा कि स्पेशल डिमांड करके भाई आप पट्टी बांध के बाल कटें। आंखें बंद करके अंदर क्या हूरे नजर आ रही है, कौन नजर आ रहा है जो बड़े मजे से कटिंग करी जाए? आंखें बंद करके मुझे अपनी वाइफ नजर आ रही है। जिस तरह दिल करते है वाइफ की जुबान चले तो काट दूं उसे, तो इस तरह कटिंग कर रहे हैं, बस ऐसे ही समझ ले। अच्छा, ये बड़ा मुनफरिद सा आपने आइडिया जो है निकाला है, क्या वजह? मतलब बचपन से शौक था या अभी कुछ ऐसा दिमाग में आया? नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, वो पहले खुद अपनी कटिंग करते थे आंखों में पट्टी बांध के, तो पहले वो सिंपल करते थे अपनी कटिंग, फिर वो आंखों में पट्टी बांध के उनको देख के फिर मैं इंस्पायर हुआ, फिर मैंने जो खुद स्टार्ट किया। भाई आप तो गंजे हो जाओगे इतनी देर में। नहीं नहीं बिल्कुल यकीन है भाई पे। चले नाजरीन, मैं आपको यहाँ ये भी दिखाती चलूँ, देखे कितनी प्यारी उन्होंने लाइव कटिंग आपको करके दिखाई है, आंखों में उनकी पट्टी बंधी हुई है, कितनी प्यारी उन्होंने कटिंग किया और परफेक्ट कटिंग जो है वो करके दिखाई है। अच्छा भाई, मुझे बताया कि ये सर के बाल तो चले आप कर ही लेते हैं, तो मैंने सुना आप ये दाढ़ी मूछे भी ये पट्टी बांध के करते हैं जी, आप करवाने जा रहे हैं रेजर से शेव? बिल्कुल करवा लेंगे। आप मुझे लगता है बीवी से तंग आए पड़े? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, भाई पे यकीन है इसलिए करवा लेंगे। अच्छा, मैंने देखा कि बहुत सारे कस्टमर्स इधर आए हैं मेरे सामने और वो कहते हैं कि आप पहले पट्टी बांधे फिर हम आपसे काम करवाएंगे, तो इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि उन्हें लगता है कि मैं आंखों में जब पट्टी बांध लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा काम करता हूँ। ये पट्टी के अंदर कुछ लगाया हुआ? नहीं कुछ भी नहीं लगाया हुआ, आप कैमरे पे चेक कर सकते हैं। नहीं, तो लोग आपकी चीजें चूजे लेके पीछे से भाग जाए फिर? मैंने लड़का रखा हुआ है, एक दो दफा हुआ था ऐसे मेरे साथ, फिर जो है मैंने लड़का स्पेशल रखा। चले जी नाजरीन, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। मींस के मैं देखती हूँ कि लड़के जो होते हैं मोस्टली वो आंखें खोल कर भी ये शेव करने से बहुत ज्यादा डरते हैं और उन्हें लगता है कि हमें कट लग जाएगा या ब्लड वगैरह निकल आएगा। लेकिन ये इंसान कौन है भाई? आप देख रहे हैं कि ये जो है बगैर देखे उनके मुंह पे जो है परफेक्ट जो है वो फॉर्मिंग कर रहे हैं, और फॉर्मिंग के बाद इन्होंने रेजरिंग भी करनी है। तो क्या कमाल और क्या खतरनाक काम है और क्या भाई बात है। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो आप कर रहे हैं मतलब परफेक्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस हुई भी आपकी? बिल्कुल, ये प्रैक्टिस हुई है, काफ़ी अर्से से मैं कर रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आता है मुझे काम करने में ऐसे। मजा क्या था? बस यही तो चीज हासिल करनी थी मैंने। अच्छा जी, देख लिया जी इन्होंने परफेक्ट जो है पूरा फॉर्म लगाया। मुझे बताइएगा कि कभी आप दाढ़ी कर रहे हो तो पता चले उसकी मूछें भी उड़ गई है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी
अभी भी नहीं हुआ? नहीं, लोग करवाना ही तब शुरू हुए थे जब मैंने अपना खुद शुरू किया था। अब आप रेजरिंग भी बगैर देखे करेंगे? जी बिल्कुल, बगैर देखे रेजरिंग करेंगे। जी जी, आपके सामने कर ही रहा। ओए, क्या बात है, क्या बात है जी। बड़ी मुनफरिद थी, बड़ी दिलचस्प थी, बड़ी हैरत अंगेज थी ये बात है कि आप देख रहे हैं कि वो जो है बिल्कुल बगैर देखे उनकी जो है वो रेजरिंग कर रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट किस्म की जो है वो रेजरिंग कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप इस टैलेंट को जो है वो कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह अभी आगे और चीज़ें सोची हुई हैं, वो करूँगा इंशाल्लाह। अभी मैंने रिसेंटली अपना जो है वो यूट्यूब चैनल भी बनाया है, तो उस पर भी काफ़ी चीज़ें मैं अपलोड किया करूँगा, तो उधर से लोग देख सकते हैं मुझे। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे बताएं, आपको पता कि आपको इंटरव्यू कौन ले रहा है? अभी नहीं पता, जब आंखें खुलेंगी फिर पता चलेगा। मतलब पिछले 5-6 मिनट से हम आंखें बंद करके आप मेरे से बातें करी जा रहे हैं। जी जी, तो आपको तो ये भी नहीं पता चलना इंटरव्यू कौन ले रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने आने से पहले मेरी आंखें बंद करवा दी थी। बताया कि अंधेरा पसंद है या रोशनी से कोई मसला है? नहीं, अंधेरा भी नहीं पसंद, रोशनी से भी नहीं मसला। मेरा ये शौक था, बस वो शौक पूरा कर रहा हूँ। तो कभी ऐसा हुआ कि आप शेव कर रहे हो, कोई बाहर से आया तो दो मुंह पे लगा के भाग गए? ऐसे कभी नहीं हुआ, ये सारे लोग प्यार करते हैं मुझे, बड़ी बड़ी इज्जत करते हैं, इस तरह का सीन कभी नहीं हुआ। आपकी अपनी बीवी से तंग है जो उन्हें देखना नहीं चाहते, जो हर वक्त पट्टी बंद ही रखते? बस ये माशाल्लाह खूबसूरत इतने हैं कि मैं देखना ही चाहता। अच्छा मुझे बताया, पट्टी बांध के और पट्टी के बगैर जो है वो कोई पेमेंट में फर्क है? मतलब कोई महंगी सस्ती? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, जैसे कोई करवाना चाहे। मतलब जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं? ऐसे ही है, खतरों के खिलाड़ी बने हुए इस टाइम। खतरों के खिलाड़ी आप तो नहीं, ये भाई बने हुए हैं जिसे अपनी जिंदगी से कोई मोहब्बत नहीं। चलो जिंदगी से नहीं, मूछों से भी मोहब्बत नहीं है। भाई अगर मूछें कटी गई फिर? कोई बात नहीं, वैसे वाइफ तो कहती है कि मूछें आप ना कटवाएं, लेकिन भाई के लिए अगर यकीन है, उम्मीद है कि ऐसा कोई सीन नहीं होगा। बड़ी 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 मजे की बात है, और यकीन करें मुझे खुद बहुत हैरत हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइव उनके मुंह पे जो है वो पट्टी बंधी हुई है और उन्होंने मुकम्मल शेप जो है इन भाई की जो है वो कर दी है बगैर देखे, बगैर देखे, और ये चीक्स पे हर जगह से उन्होंने जो है वो शेप अपनी तरफ से परफेक्ट जो है वो कर दी हुई है। तो बड़ी हैरत अंगेज सी बात है, इस तरह का टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में, और हमारा फर्ज है कि हम इस तरह के टैलेंट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, इनके यूट्यूब चैनल को भी जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे पास भी भाई टैलेंट मौजूद है। तो उम्मीद है आपको तनवीर का ये कारनामा जो है पसंद आया होगा। अगली दफा मिलेगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।